ये विधवाओं के ऊपर है, जो विधवा प्रथा चली आ रही है और समाज के साथ जो प्रथा का हमेशा क्लैश ही रहा है हमेशा, कि विधवा जो है वो घर में रहने के लायक नहीं है और पति की डेथ के बाद ही उन्हें आश्रम भेज दिया जाता है और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ना तो किसी खुशी में ना किसी पूजा में, मतलब वो ऐसे मानी जाती हैं कि वो समाज का अंग है ही नहीं। और ऐसी औरतों का जो आश्रम चलाती हूँ वो मेरा किरदार है, इंद्राणी देवी जिनका आश्रम है, और वो भी खुद एक विधवा हैं लेकिन बड़ी कमी पेशगी में अपने आश्रम को चला रही हैं और लोगों से जो उतारा मिलता है वही सब औरतें खाती हैं और वो करती हैं, इस तरह मेरा। मैं धानी की माँ का किरदार निभा रही हूँ, दुलारी, और आप पूछ लें क्या पूछना है। पहले कौन सा सीरियल आया है जरा पहले वो मुझे बताएं, मुझे तो बस गंगा ही याद आ रहा है, बट गंगा जो एन टीवी पे आ रहा है, लेकिन गंगा की कहानी और इसकी कहानी थोड़ी सी अंतर है। गंगा में छोटी लड़की है जो विधवा है, हमारी जो धानी है वो यंग है काफ़ी और बिल्कुल नई नई सी है, और सबसे बड़ी बात है कि ये एक लव स्टोरी है, तो आई थिंक कि हमारे जो दर्शक हैं उसे एंजॉय। प्रथा पे अभी तक टेलीविजन पे ऐसा सीरियल नहीं आया कि लव स्टोरी आई है, अभी तक तो बहुत अच्छा है अनुभव जी। और बनारस तो हम लोग गए नहीं थे, नहीं हम बनारस नहीं गए थे, लेकिन यहाँ पे जो भी चल रहा है, सबसे बड़ी बात है कि बहुत गंभीर शो है। हाँ। अभी तक मुझे नहीं लगता कि टेलीविजन में इतना गंभीर शो आया है, तो मुझे लगता है दर्शक इसे जरूर पसंद करेंगे और मासूमियत के साथ साथ गंभीरता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे शो। मतलब पहली बार शायद दिखाया जाएगा कि विधवाएं किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं, ये अभी तक किसी भी सीरियल में नहीं आया, और एक एक सीन विधवाओं के साथ क्या बीतती है और कैसे होता है ये सब। ये लो पहले तीनों। सबसे पहले सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं काजल निषाद हूँ और इसमें कनक त्रिपाठी बनी हुई हूँ जो दशरथ त्रिपाठी की बहू बनी है। बेसिकली मैं गोरखपुर से हूँ और गोरखपुर से चुनाव लड़ चुकी हूँ 2012 का विधानसभा का कांग्रेस के टिकट से, और ये जो कहानी है वो बनारस की कहानी है। इश्क का रंग सफ़ेद, सफ़ेद इसलिए कहा गया है क्योंकि जो लड़का है हीरो है उसका जो इश्क है वो सफ़ेद रंग में रहता है। लड़की जो है वो विधवा बताई गई है और लड़का बहुत बड़े विद्वान खानदान का बताया गया है, यही स्टोरी है। उनमें फिर प्रेम हो जाता है, फिर आप आगे देखिए। लेकिन ऐसा क्या इंस्पायरिंग रहेगा कि लोग ये शो देखें, मतलब ऐसा कि पिक पॉइंट शो का यूएसपी शो का जो लोग देखेंगे शो को? देखिए ऐसा है कि सीरियल बहुत तरह तरह की आती है और लोग देख चुके हैं, हर बार कई सीरियल ऐसी होती है जो रिपीट भी दिखाई जाती है, इस चैनल पे भी सेम आ रहा है, उस चैनल पे भी सेम आ रहा है। ऐसा है कि अब आया है नया ज़माना, तो पहले के ज़माने की जो रूढ़िवादी रीतियाँ चली आ रही है, रीति रिवाज, उससे थोड़ा सा हट के ऐसा है कि भाई लड़की अगर छोटे उम्र में अगर विधवा हो भी जाती है तो उसे भी पूरा हक है जीने का। उसे जो बंधनों में बांध दिया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, मंदिर नहीं जा सकती, पूजा ठीक से नहीं कर सकती, तो इसमें ज़रा सा ये दिखाएगा कि नहीं, ज़माना बदल गया है और लड़कियों को भी पूरी तरह से जीने की आज़ादी है। अब मैं तो बनारस नहीं गई थी, वेल बनारस तो मैं जा चुकी हूँ क्योंकि मैं शिव की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो वो मेरे भक्त नहीं हूँ, मैं एक्चुअली मैं उनकी दीवानी हूँ, वो मेरे बॉयफ्रेंड है और मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ और पार्वती जी को मैं सौतन भी मानती हूँ, तो उनसे मिलने मैं एक बार बनारस गई हूँ पर शूटिंग के लिए मैं नहीं। भाई जैसा कि सब्जेक्ट है आपको सबको पता ही है कि एक बनारस की कहानी है जिसमें विधवा एक पूरे रिलेशन है और कैसे विधवा आश्रम में लड़कियां रहती हैं और उनके बीच में ऐसा कैसे सारी चीज़ें रहती हैं और कैसे एक जो महंत का बेटा और मतलब पोता है बिजली उसको प्यार हो जाता है और वो कैसे उसकी वजह से उसके परिवार में
और उस लड़की की वजह से उसके सारे जीवन में कैसे कैसे चीज़ें बदल जाती हैं। जो लड़का हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाता हुआ कैसे रुक के, मैं इसमें विप्लव के फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, शंभू त्रिपाठी, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, बचपन से गर्दन टेढ़ी है उसकी और वो ठीक से बात भी नहीं कर पाता, बात करने में कहीं नहीं है। और जो दशरथ त्रिपाठी है उससे हमेशा डरा सहमा रहा, कभी उसको बाप और बेटे के बीच में कभी वो प्यार नहीं रहा। विप्लव से बहुत प्यार करता है लेकिन कहीं अपने फादर की वजह से वो उसके नहीं करता है, लेकिन जब उसको प्यार हो जाता है तो एक अपाहिज बाप जो अपने लिए अपनी माँ के लिए जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाया, कैसे अपने बेटे के लिए वो अपने फादर के खिलाफ खड़ा होता है, एक कहीं ना कहीं स्टोरी है। और जहाँ तक प्रश्न उठता है मेरे कैरेक्टर का, उसमें अपने आप में यह है कि फिजिकली हैंडीकैप का रोल करना अपने आप में एक कहीं ना कहीं एक खूबी है, मुझे लग रहा है कि मैं पता नहीं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। अभी आप हैंडीकैप का रोल करने का आसान नहीं होता, काफ़ी चैलेंज है, क्या चैलेंज इसमें सबसे ज़्यादा तो ये है कि आप जब ज़्यादा गिर गर्दन ऐसे कर रखते हैं तो कहीं ना कहीं एक फिजिकली आपको प्रॉब्लम होती है, और फिर क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में आपको खाना पीना और डायलॉग बोलना कैसे, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रहता, तो वो तो आप देखने के बाद बताएंगे कि ये सारे ओवरऑल कैसा रहता है। जहाँ तक प्रश्न है, क्योंकि मैं विप्लव के फादर का कैरेक्टर कर रहा हूँ, ये फैमिली विप्लव की फैमिली का मतलब फादर का रोल है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें हैं, उसका अपना इनपुट है, उसकी अपनी एक है, वो एक असहाय जो फैमिली मैं अपने उसको कैरेक्टर को प्ले कर रहा है, जो दशरथ त्रिपाठी के दबाव में कहीं ना कहीं रहा है, और वो कैसे विप्लव की वजह से हिम्मत जुटा पाता है सिर्फ अपने बेटे के प्यार में। हाँ यार, बहुत अलग टॉपिक है, इट्स अ विडो रीमैरिज एंड अ विडो हु इज़ वेरी यंग, बहुत उम्र में बहुत छोटी है, तो मैं तो मुझे कभी भी सुनने में आया नहीं है कि ऐसा कोई टॉपिक टीवी पर छेड़ा गया है। और मेरा जो किरदार है वो एक बहुत ही मस्तीखोर, मज़े करने वाला, लाइफ को एंजॉय करने वाला, दोस्तों के साथ घूमने फिरने वाला, पंगे लेने वाला, कीड़े करने वाला, कांड करने वाला, वो टाइप का कैरेक्टर है। तो ये तो धानी के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है उसे तंग करने को, और धानी है बिल्कुल ऑपोजिट, वो आपको यही बताएगी। अभी धानी ऐसी है जो बहुत शांत लड़की है, बहुत सिंपल है, जितना जो रिचुअल्स बनाए गए हैं, परंपराएं बनाई गई हैं, उनको फॉलो करती है, जितना जो बोल दिया उतना मानना। ये लड़का मेरे पीछे पड़ता है तो मैं जितना इग्नोर हो सकता है उतना करती हूँ, लेकिन जब हद हो जाती है तो अच्छे सुनाती भी हूँ। धानी वैसी लड़की है जो अपने आप में रहती है, ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करना, वेरी सिंपल शोबर काइंड ऑफ अ गर्ल। क्या लगता है वो एंटरटेनमेंट के अलावा एक मैसेज भी देगा ऑडियंस को? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो टॉपिक हम लोग हैंडल कर रहे हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एक नाजुक टॉपिक है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम उसे बारीकी से हैंडल करें और ढंग से उसे उसकी प्रदर्शन करें। आई थिंक हम बहुत इसके अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इस सिचुएशन का सल्यूशन और उसका पॉजिटिव साइड और उसका एक तरीका दिखाएंगे जिससे औरतें इस सिचुएशन में जो है वह उसमें से उभर सके और एक एक खुशहाल ज़िंदगी पा सके। मेरा सर खा गई यार। नहीं मैंने प्रिपरेशन ये की थी, मैं कुछ आश्रम गई थी बनारस के, मैंने प्रेम रोग देखी कई बार, मुझे पद्मिनी जी का उसमें कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग लगा, काफ़ी अच्छा था, उनकी आंखों में वो पेन दिखता था, आई वांट दैट। तो मैं आश्रम गई, कुछ लोगों से मिली, उनके एक्सपीरियंस जाने, जितना मुझ में प्राइड में लेवल बेस्ट जितना हो पा रहा था उतना किया। ऑडियंस को शो के बारे में, इट्स गोइंग टू बी अ फैबुलस शो, ऐसा शो आपने लाइफ में कभी नहीं देखा होगा, जहाँ मैं इतनी मस्ती कर रहा हूँ, जहाँ लड़की इतनी सीरियस है, और फिर जिस तरीके से प्यार पनपेगा, आय हाय 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 हाय। पता है ना लास्ट वाले में।